जब क्रिस गेल जड़ते हैं छक्का तो अंपायर को कहना पड़ता है न्यू बॉल प्लीज। आईपीएल 2018 में क्रिस गेल का बल्ला एक बार फिर से जमकर बोल रहा है। नीलामी के दौरान दो बार नकारे जाने के बाद क्रिस गेल को विशेष अनुरोध पर पंजाब की टीम ने 2 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। जब नीलामी के पहले दिन और दूसरे दिन किसी भी टीम ने जब क्रिस गेल पर बोली नहीं लगाई थी तो लगने लगा था कि किसी भी टीम को अब गेल पर विश्वास नहीं रह गया है। लेकिन 38 साल क्रिस गेल जिस तरह से खेल कर रहे हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि अब शायद टीमों को गेल पर दांव न खेलने का पछतावा हो रहा होगा। शुक्रवार को मुंबई के खिलाफ खेले गए मैच में क्रिस गेल ने एक बार फिर अर्धशतक जड़ा है। बता दें कि आईपीएल के सीजन में क्रिस गेल का यह तीसरा अर्धशतक है। क्रिस गेल ने 5 मैच खेले हैं और 302 रन बना चुके हैं। गेल ने 20 चौके और 25 छक्के जड़े हैं। 3 अर्धशतकों के साथ 1 शतक भी शामिल है। क्रिस गेल इस सीजन में 104 रनों की नाबाद पारी भी खेल चुके हैं। मुंबई के खिलाफ खेल गए मैच में क्रिस गेल ने 40 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली। इस पारी के दौरान क्रिस गेल ने 6 चौके और 2 छक्के जड़े। इनमें से क्रिस गेल का एक छक्का इतना जबरदस्त था कि गेंद ही खो गई और नई गेंद मंगानी पड़ी। 5.1 ओवर में पंजाब का स्कोर बिना किसी नुकसान के 30 रन था। क्रिस गेल 16 गेंदों में 16 रन और केएल राहुल 15 गेंदों में 20 रन पर खेल रहे थे। मिशेल मैक्लेगन गेंदबाजी कर रहे थे। मैक्लेगन की अगली गेंद पर क्रिस गेल ने जोरदार हिट किया और गेंद को स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया। इसके बाद नई गेंद मंगाई गई। बता दें T20 क्रिकेट लीग और IPL दोनों में छक्के मारने के मामले में क्रिस गेल नंबर 1 है। T20 क्रिकेट में क्रिस गेल के नाम 844 छक्के दर्ज हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर पंजाब ने 20 ओवरों में 6 विकेट होकर 174 रन बनाए थे। पंजाब की तरफ से क्रिस गेल ने 50 रनों की पारी खेली। IPL में क्रिस गेल का यह 25वां अर्धशतक है। IPL के अपने अतबक के करियर में 106 मैच खेलकर 3928 रन बना चुके हैं। उनका अधिकतम स्कोर 175 नाबाद है। IPL के करियर में क्रिस गेल 6 शतक और 25 अर्धशतक जड़ चुके हैं। इसमें 314 चौके और 290 छक्के शामिल हैं।